हम बात करेंगे 2011 की। भारत का एक ऐसा मंदिर उस वक्त दुनिया की नजरों में आया जब मंदिर के बंद पड़े 7 दरवाजों में से 6 को खोल दिया गया था। इन दरवाजों को खोलते ही सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी, क्योंकि वह एक के बाद एक दरवाजा खोलते गए और उन्हें बेशकीमती हीरे जवाहरात सोना चांदी मिलता चला गया जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 6 दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन वह आज तक 7वें दरवाजे को क्यों नहीं खोल सके। दोस्तों, इस 7वें दरवाजे का रहस्य इतना गहरा है, जिसने भी खोलने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। आखिर कौन खोल सकता है इस 7वें दरवाजे का रहस्य? आखिर क्या है 7वें दरवाजे का रहस्य, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोड की हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यह केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पूरी दुनिया में विख्यात है। यह पूरी दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और पद्मनाभ स्वामी जी की आराधना करते हैं। पद्मनाभ मंदिर की मान्यता के अनुसार सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इसके बाद इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका वर्णन 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी पाया जाता है। मान्यता के अनुसार त्रावणकोर के महाराजाओं ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की और इस तरह से ये शापित माना जाने लगा। 1931 में दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी तो नागों ने तहखाने को घेर लिया था। लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा था। 1908 में भी ऐसी ही एक असफल कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर से जुड़ी आस्थाओं का सम्मान करते हुए ये 7वां दरवाजा खोलने से रोक दिया था। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाग भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया था। यहाँ पर विष्णु भगवान की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री हरि विष्णु की विशाल मूर्ति विराजित है। इस प्रतिमा में विष्णु भगवान शयन मुद्रा में शेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी विराजमान है। इस मंदिर में सोने के स्तंभ बने हुए हैं जो मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इस मंदिर की नक्काशी इतनी भव्य है कि मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुष धोती पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। भारत के पद्मनाभ मंदिर में छिपा था 5 लाख करोड़ का खजाना, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें लगानी पड़ी थी। दरअसल इसकी अनुमानित कीमत इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोना चांदी के महंगे चैन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं, जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, परंतु बताया जाता है कि भयानक जहरीले नागों के काटने से सबकी मौत हो गई थी। मान्यता के अनुसार इस दरवाजे के अंदर से सांपों की रेंगने जैसी आवाजें आती हैं और दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती हैं। 7वें दरवाजे के खोलने का मतलब पड़ले आना है। इस मंदिर की संपत्ति को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि वाकई ये काफी रहस्यमयी मंदिर है। बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य बहुत गहरा है। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस 7वें दरवाजे को खोलते ही भारी प्रलय आ सकती है, मंदिर नष्ट हो सकता है। दरअसल ये दरवाजा लोहे का बना हुआ है।
इस पर दो विशाल नागों की आकृति बनी हुई है। ये नाग इस सातवें दरवाजे के पीछे रख के खजाने की रक्षा करते हैं। जिनकी इजाजत के बिना खजाने का ये दरवाजा नहीं खुल सकता। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष या कोई योगी ही खोल सकता है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत को क्या दुनिया में किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल पा रहा है जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों द्वारा खोला जा सकता है। नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है। यहाँ कोई कुंडी नहीं है, कोई ताला नहीं है। अंदर क्या है, कैसा खजाना है, किसी को नहीं पता। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के द्वारा खोला जा सकता है। लेकिन अगर मंत्र और उच्चारण सही नहीं हुआ तो मृत्यु हो सकती है। आज तक इस मंदिर के सातवें दरवाजे का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। आज भी यह रहस्य रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, इस खजाने का रहस्य तो इस दरवाजे के खुलने के बाद ही पता चलेगा, और यह कब खुलेगा इसका किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट अपने राय हमें लिखकर जरूर भेजें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।